हेलो, वेलकम टू एकदम फूड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट सीरीज में डे 12 का ब्रेकफास्ट डाइट फूड। बिल्कुल लो फैट है एंड वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हेल्दी। तो ये जो डे 12 का जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ये मैंने बनाया है मूंग दाल, जो पीली वाली मूंग दाल होती है भीगी हुई, वो सोयाबीन की दाल प्लस पालक, थोड़ी अदरक मिर्ची, थोड़ा सा बेसन यूज करके इसके हमने बनाए हैं हरे कबाब। तो इसको हम नाम देंगे हरा कबाब, जो कि डाइट कबाब है। एक और कबाब मैंने बनाया है राजमा चने का, दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग एंड वेरी लो फैट। एंड इसके साथ हमने बनाया है शेक। शेक हमने आज बनाया है बनाना का, बनाना मिल्क, एंड वी हैव यूज सम हॉर्लिक्स पाउडर। इफ यू वांट यू कैन यूज सम चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट, या फिर जो आप पीते हैं चॉकलेट दूध में डाल के बच्चे, वो यूज कर सकते हैं आप, या फिर कॉफी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यूज किया इसमें डिकॉक्शन, कॉफी का जो डिकॉक्शन होता है साउथ इंडियन कॉफी, वो मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड करी है, जस्ट टू गिव अ डिफरेंट फ्लेवर एंड टेस्ट। और साथ में हरी चटनी और सॉस ऑप्शनल है। हरी चटनी तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, हरे कबाब के साथ हरी चटनी का तो बात ही क्या है। तो ये जो रंग बिरंगा जो आपको दिख रहा है, ये है डे 12 की डाइट ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम डे 12 की डाइट ब्रेकफास्ट की रेसिपी। पर उससे पहले आप प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि अगर आपने बनाया है और अगर आपने डाइट कर रहे थे एंड यू फॉलोड माय रेसिपीज एंड हाउ डिड यू फाइंड इट, आपको कैसी लगी टेस्ट वाइज, कुकिंग वाइज, वेरी इजी एंड क्विक। थोड़ी थोड़ी हैंडी टिप्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा छोटी छोटी चीजें जो है मैं बताती हूँ वो किस काम आती हैं। कुछ चीजें जैसे भिगा के रखनी है, थोड़े अंकुरित करके दालें चने फ्रिज में रखने हैं, थोड़ी सी सब्जियां जैसे खीरा प्याज टमाटर कैरेट्स बीन्स ये सब फ्रिज में रहनी चाहिए, ताकि इमीडिएटली आप एनी टाइम इफ यू वांट टू मेक समथिंग यू कैन बी जस्ट क्विक एंड मेक समथिंग अपने लिए, या फिर कोई आया गया उनके लिए, या फिर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आर वेरी फिनिकी, उनको इमीडिएट कुछ खाने को चाहिए होता है। तो यू कैन मेक ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, इफ यू आर नॉट डाइटिंग देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस रेसिपीज एंड टेक आइडियाज। थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी हाउ वी मेक डे 12 डाइट ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि डे 12 का डाइट ब्रेकफास्ट हम कैसे बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे। हम बना रहे हैं आज मूंग धुली दाल और सोयाबीन की जो दाल होती है वो, और बेसन और पालक आलू ये सब मिक्स करके हम बनाएंगे डाइट कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़े और भी मैंने आपको कबाब अभी पिछली वाली रेसिपी में बताए हैं। और जो है साथ में हम बनाएंगे बनाना शेक। बनाना शेक के लिए हमने एक बनाना लिया है और ये हॉर्लिक्स पाउडर लिया है। चाहे तो आप बॉर्नविटा ले सकते हैं, चॉकलेट ग्रेटेड ले सकते हैं, कुकिंग चॉकलेट ले सकते हैं, चॉकलेट सिरप ले सकते हैं, और ये दूध है। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप आइस ले सकते हैं, और हनी लिया है, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। अगर बनाना का शुगर इज मोर देन इनफ इवन इन हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा, उसमें भी थोड़ी शुगर रहेगी, फिर भी अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा चाहिए तो हनी ऐड करिए, वरना ना ऐड करिए, इट इज क्वाइट स्वीट स्वीट अदरवाइज ऑल्सो। सो जो कबाब बनाने हैं उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने मूंग धुली दाल है आधी कटोरी ले ली है, भीगी हुई है, ये कम से कम 2-3 घंटे भिगा रखी है, और ये ओवरनाइट मैंने सोयाबीन की जो दाल है इसको भिगोई थी, तो वो मैंने आधी कटोरी ले ली है, जो कि मैं फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। ये 4-5 चीजें जैसे कि चने होते हैं, राजमा होते हैं, काले चने हैं, सोयाबीन है, कुछ चीजें और स्प्राउट्स हैं, निकाल के फ्रिज में रहती हैं, तो वो काफी काम आती हैं अगर आप डाइट कर रहे हो तो। ऑन एंड ऑफ यू कैन यूज दोज थिंग्स इन मेनी मेनी रेसिपीज। तो इसके साथ मैंने जो है ये जो मेरा टीस्पून जिसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये 4-5 टीस्पून हमने बेसन ले लिया अकॉर्डिंगली जितना हमको जरूरत पड़ेगी थोड़ी बाइंडिंग के लिए। ये 2-3 मुट्ठी मैंने पालक ली है कच्ची है, जिसको कि हमने माइक्रोवेव में कर लूंगी। अगर आप बॉईल करना चाहते हैं तो इसको आप पानी जरा सा पानी भाप दिला सकते हैं, नहीं तो आप माइक्रोवेव वाले बर्तन में इसको रख के थोड़ी देर इसको 3 मिनट माइक्रो कर लीजिए, और फिर ठंडा करके इसको हम यूज करेंगे। थोड़ा पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट यूं ही इसको माइक्रो कर लेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पानी होता है, ज्यादा चाहिए तो थोड़ा छींटा मार सकते हैं। इसी में हमने लिया है अदरक, थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया है। 2 आलू लिए हैं मैंने उबले हुए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा आलू, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे बेबी पोटेटो से, तो ये अब उबले हुए रखे हैं मेरे पास में, तो मैंने 2 ले लिए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी बहुत अच्छे बनेंगे ये कबाब। और साथ में थोड़ा सा नमक मैंने 1/2 चम्मच ले लिया स्वाद अनुसार, और ये थोड़ा 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है। तो आलू हम अभी साइड कर देते हैं, डाल लेंगे हम आलू, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। तो ये जो पालक है हमारी, पालक के साथ ही मैं ये भी साथ ही में डाल दूंगी, क्योंकि हमको ये सारा पीसना ही है। और ये मिर्ची भी हम इसी में डाल के थोड़ा मैं इसको जो है 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव रख देती हूँ।
और ये मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है एज यूजुअल। हर दिन मैं आपको दिखाती हूँ कि यही ब्रश यही घी की डिब्बी हमेशा रहती है। और ये पैन है, नॉन स्टिक पैन यूज करना है। तो जब तक हमारे वो पालक हो रही है तब तक हम जो है ये बनाना शेक बना के फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा रहेगा। गर्मियों का सीजन है तो थोड़ा ठंडा पीना अच्छा लगता है। ये मिक्सी में मैंने थोड़ा तोड़ के बनाना डाल दिया, इसी में हम हॉर्लिक्स पाउडर डाल देंगे। अगर आपने चॉकलेट डालनी है तो आप चॉकलेट डाल सकते हैं। पहले थोड़ा दूध डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये बनाना पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास कोई और मिक्सिंग का साधन है जिसमें कि एक ही साथ डाल के आप जार जो होता है मिक्सर होते हैं छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं जो कनेक्टेड हो जाते हैं मिक्सी के साथ, एनी वे यू कैन जस्ट मेक एनी शेक विद दैट, जूस हो शेक हो स्मूदी हो कुछ भी उसमें बना सकते हैं। तो मेरे पास मिक्सी है तो मैं इस मिक्सी में ही बना रही हूँ। ये हमने मिक्स कर लिया और बाकी भी मिल्क इसमें हम डाल देंगे जितना आपको अच्छा लगता है। अब ये जैसे 400 ml का जार है जो मैं लेती हूँ हमेशा, अगर आपको थोड़ा कम लेना तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। इसको एक बार और चलाएंगे और मीनवाइल ये देखिए हमारे ये जो पालक है बहुत ज्यादा हमने इसको कुकिंग नहीं करी है, जस्ट 3 मिनट्स करी है बिना पानी के। बिल्कुल ऑलरेडी जो उसका मॉइस्चर था क्योंकि पालक धुली हुई थी तो उसमें थोड़ा पानी हल्का सा था, तो अदरक डाल के मैंने इसको थोड़ा माइक्रोवेव कर लिया है। सो इसको भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, गरम गरम नहीं यूज करेंगे। मिर्ची मैंने अलग निकाली थी, आप चाहिए तो एक और मिर्ची यूज कर सकते हैं या काली मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची ली है बिकॉज इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा आप देखेंगे। ये बनाना शेक जो इसको मैं एक बार और ढक्कन लगा के चला देती हूँ। ये मैंने बनाना शेक बना लिया है। एक आइडिया और है इसमें मेरे को, आप जैसे मैंने आपको बताया कि चॉकलेट वगैरह डाल सकते हैं, आप ये जो फिल्टर कॉफी होती है ना, ये मेरी मैं फिल्टर कॉफी बना के इसके ही बर्तन में ढक्कन लगा के रख देती हूँ, ये भी हम थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच और फिर चला देंगे। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, कॉफी एंड बनाना का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए कॉफी डाल के मैंने थोड़ा सा इसको चला दिया और ये हमारा जो है शेक रेडी हो गया है। चाहे तो आप इसको अब जो है फ्रिज में रख दीजिए, मीनवाइल फिर हम बाकी ये जो कबाब का काम करते हैं इसको मैं फ्रिज में रखाती हूँ। इसमें थोड़ा कम लग रहा है, आप चाहे तो और ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा मिल्क तो और ऐड कर सकते हैं, या आइस ऐड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वैसे मैंने इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि हर घर में हर लेडीज करती हैं इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस निकाल दिया है, या तो थोड़ा दूध डाल के वापस निकाल दिया ताकि थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाए। और कंजूस तो होती है ना औरतें, तो ये हनी हमने यूज ही नहीं किया इसमें, वो अदरवाइज ही इतना अच्छा मीठा हो गया हॉर्लिक्स की वजह से। बट इफ यू वॉन्ट यू कैन अवॉइड हॉर्लिक्स यू कैन एड हनी। तो कबाब के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारी सोयाबीन की दाल भीगी हुई है ये हम ले लेंगे। ये बहुत अच्छी होती है सोयाबीन की दाल, इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड इवन टेस्टी ऑल्सो। ये हरी मिर्ची और ये जो दाल है हमारी मूंग दाल ये भी हम डाल देंगे, और साथ में ये जो हमने लिया है पालक जो ठंडी हो गई है इसके अदरक के टुकड़े भी इसमें डाल देंगे और पूरी पालक भी हम इसमें डाल देंगे। अब ठंडी हो गई है, अब ध्यान से जार यूज करें, मतलब ज्यादा भरा होगा तो कभी ऊपर भी आ जाता है उसी हिसाब से। और इसी में हम ये जीरा डाल देंगे और थोड़ा नमक भी डाल देंगे ताकि उसका मॉइस्चर थोड़ा आ जाएगा। आलू जो है हमने अवॉइड कर दिए हैं, बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट ऐड इट। एंड बेसन अभी ऐड नहीं किया, बेसन हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि जब हम इसको पीसेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा बिकॉज सब चीज भीगी हुई है, सब में बहुत सारा पानी पानी ऑलरेडी है दाल के अंदर, सोयाबीन के अंदर और पालक में भी। तो इसलिए हमने बेसन लिया ताकि हम इसकी बाइंडिंग कर सके। बेसन की जगह आप चटनी दाल का पाउडर कर सकते हैं, आप जो भुने हुए चने उनका पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से मैंने पीस ली है, चम्मच फ्लाई होके आ गया इसमें, ये इस तरह से मैंने पीस लिया। अब हम इसको जो है एक बोल में निकाल लेंगे, मैंने उसी पालक वाले बोल को यूज कर लिया है। पालक बिल्कुल आपने अच्छे से धोनी है क्योंकि पालक में जो है मिट्टी बहुत होती है, तो 3-4 बार धोइएगा। ये देखिए इस तरह पूरा हमने मिक्सी से निकाल लिया, ये कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, थोड़ा सा बस। अब भी हम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ज्यादा पालक अगर हमने डाली है तो थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो हमको थोड़ा ज्यादा बेसन लग सकता है, और कभी कभी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो सकती है बेसन की, ना भी डालें तो ये देखिए ये बहुत अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी है। इसमें नहीं भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, फिर भी जस्ट फॉर द हेल्थ बेनिफिट मे बी वी कैन जस्ट यूज 1 teaspoon या 2 teaspoon ताकि ये आपको ईजी हो जाए बनाने में, कोई शेप देने में आपको ईजी हो जाए। तो इसको हम मिला लेंगे और इसी के साथ आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है। वैसे चाहे तो इसमें आप बहुत चीजें मिक्स कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा मिक्स करने से क्या होता है, चीज का अपना टेस्ट चला जाता है, बस मसालों का टेस्ट आता है। तो इसलिए हमने सिर्फ अदरक मिर्ची और जीरा इसमें हमने ऐड किया है। तो ये देखिए ये अब बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, जिससे कि हम इसको आराम से देखिए इस तरह से लेके बना सकते हैं। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं किया, छोटे छोटे हम इसको हरे हरे से देखिए बहुत अच्छे, इसको आज जो है हम इसको नाम भी हमने दिया है हरा कबाब। तो ये बहुत अच्छा देखिए कितना अच्छा रंग का, छोटे छोटे हम इसको नॉन स्टिक पे बनाएंगे। तो हमने अपना नॉन स्टिक पैन जो है इसको ऑन कर देते हैं अब हम।
अब जो ऑयल है, जैसा कि मैं हमको आपको हमेशा बताती हूँ, मैंने बहुत ही थोड़ा ऑयल लिया है, ऑन कर दिया इसको हमने और इस तरह से बस मैंने ब्रश किया है। मैंने इसको बिल्कुल ज्यादा ऑयल हमने ब्रश किया नहीं है, जस्ट जितना हमें इतना टच किया हमने और इसको फिर हमने ब्रश कर दिया इस तरीके से। और इसको धीरे पे रखेंगे और साथ साथ ही जो है हाथ से हम इस तरह से इसको लेंगे और बैटर को इस तरह से बना के छोटा छोटा इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, छोटे छोटे कबाब बनाने से जो है सुंदर भी दिखते हैं और वो अच्छे से कुक भी हो जाते हैं और बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप नॉन स्टिक पे इसको एडजस्ट करते जाइए और जो पहला आपने बनाया है उसको आपने पहले पलटना होगा, ये आप याद रखना। तो बिल्कुल ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम से कम 6 मिनट में नॉन स्टिक पे बहुत बढ़िया से छोटे छोटे कबाब बन जाएंगे आपके। और हरी चटनी एज यूजल मेरे फ्रिज में रहती है हमेशा, मैं जरूर बनाती हूँ, जिसकी की रेसिपी मेरे चैनल पे है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो है कबाब जितने मैंने आपको बताया है इंग्रेडिएंट्स, जितना मेजरमेंट आज मैंने आपको बताया है कटोरी से, तो उसमें काफी देखिए कबाब बन जाएंगे, देखते हैं कितने बन जाते हैं। बहुत आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये देखिए बहुत आसानी से ये देख सकते हैं आप जितने मेजरमेंट में ना, ये 15 कबाब बन के आराम से, छोटे छोटे कबाब देख सकते हैं आप, बिल्कुल बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से कबाब है और अच्छे भी लगते हैं छोटे, कुकिंग अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप सोचें कि ये कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे, ये अंदर से ना थोड़े स्पॉन्ज की तरह हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसको भी नॉन स्टिक पे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और धीरे गैस पे इसको रखेंगे। जैसे इंडक्शन पे मैंने रखा है तो मैंने 100 डिग्री पे इसको रखा हुआ है, इसकी जो हीट है 100 पे हमने रखी हुई है। तो जैसे ही थोड़ा 100 पे रखेंगे 2 मिनट होंगे इसको, 1.5-2 मिनट में ये नीचे से थोड़ा पक जाएंगे, तब हम इसको पलटेंगे। अगर आप थोड़ा और ऑयल लाइक खाना चाहते हैं, घी अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आप मे भी थोड़ा सा इस तरह आप छिड़क सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप बिना ऑयल घी के भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए जैसे 2 मिनट हो गए हैं इसको धीरे गैस पे रखे हुए, हम पलट के पहला वाला देखेंगे कि कैसा हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का हो गया, बस ये नीचे से पक जाते हैं इस तरीके, ये देखिए इसको हम इस तरह से बड़े ध्यान से थोड़ा सा बस इसको, बस एक बार दोनों तरफ हो जाए ना फिर बहुत इजी होता है इनको हैंडल करना। बस एक बार आपने जो फर्स्ट टाइम पलटना, क्योंकि ऊपर का थोड़ा कच्चा है तो पलटने के समय थोड़ा सा इधर उधर चिपकता है, तो वही बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू कुक एंड बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगती, प्लस आपको बहुत न्यूट्रिशियस खाना भी मिलता है भाई। ये देखिए सारे मैंने पलट दिए हैं, मैंने थोड़ा फोक से हेल्प ली थी, वरना आप छोटा सा कोई आपके पास फ्लैट चम्मच हो तो दैट विल बी इजी टू यूज। और इसके ऊपर मैंने अभी कोई घी नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहिए तो आप डाल सकते हैं जरूरी। इसको आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं अगर आप वैसे नॉर्मल स्नैक्स की तरह बनाएं, या फिर आप इसको कोयले के ऊपर या तंदूर में ग्रिल करके कैसे भी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मतलब अवन में बनाना भी इज नॉट अ बैड आइडिया, आप अवन में भी इसको ट्राई करिए कन्वेक्शन में, इसी तरह छोटे छोटे बना के या फिर सीख पे लगा करके इनको, और आप अवन में बेक कर लीजिए या सिगड़ी पे या कोयले पे या गैस तंदूर पे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये तो मैं ऐसा वाला बता रही हूँ कि भाई जिसके पास कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चीजें गैस वैस अपना नॉन स्टिक बर्तन वर्तन हुआ, तो वी कैन फॉलो एंड मेक सो मेनी वैरायटी ऑफ डिशेज एट होम विद वॉट एवर इज अवेलेबल एट होम। तो ये जो दूसरी साइड भी हो गया है, तो हम अपनी क्या करते हैं भाई, प्लेट में अपनी प्लेट तो सेट कर लें, चटनी वटनी बनी हुई है सेट कर लें, तो फिर तभी तो खाएंगे फटाफट गर्म गर्म। भाई ये हमारी प्लेट भी बिल्कुल सेट है, सॉस भी थोड़ा स्वाद लगती है तो हमने सॉस भी ले लिया। वैसे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डाइट वाइट कर रहे हैं, पर सॉस भी खाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा सॉस टच करके खाना इज ओके। एंड ये जो चटनी है हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है ही है, और बेसन जैसा कि मैंने आपको बताया हमने ज्यादा यूज किया नहीं है, इनकेस अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आपने पालक ज्यादा डाली है ना तभी आपको ज्यादा बेसन लगेगा, वरना इट्स ओके, मतलब बिना ज्यादा बेसन यूज करे भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये कैसा हो गया, देखिए। तो इसी तरह से 1-2-3 बार पलट पलट के हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे, करीबन इसको 6 मिनट लग जाएंगे धीरे गैस पे सिम पे नॉनस्टिक पे बनाने के लिए, क्योंकि ये धीरे गैस पे ही बनाना जरूरी है, वरना ऊपर ऊपर से काला हो जाएगा, जल जाएगा और अंदर से आपको लगेगा कि अरे ये क्या कर दिया, इतना तुमने ठीक से बताया नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से कम 6-7 मिनट पलट के इसको बोलना पड़ेगा कबाब को पलट, तो ये हमने इसको पलट दिया है। ये ना जब दोनों तरफ से थोड़े थोड़े कुक हो जाते हैं ना, तो ये देखिए ये नॉन स्टिक में इस तरह भी हो जाते हैं, तो आप इसको इस तरह भी पलट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। जो हमने चने और राजमा के बनाए थे कबाब, वो बहुत सॉफ्ट थे,
ये वाली जो है मूंग दाल है इसमें, तो इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी है, तो ये इतने सॉफ्ट नहीं है। ये इस तरह से देखिए आप हिला भी सकते हैं और पलट भी जाते हैं ये। मेरा तो भाई हाथ से भी कई बार हो जाता है काम, और आप ध्यान रखिएगा। तो ये बस ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे, कुछ एक मिनट हम और इसको और पकाएंगे और हमारी जो है डाइट ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। तो आपने भी ये जरूर बनाना है। मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ, कितने सुंदर लगते हैं और कितना अच्छा रंग इनका आया है। और टेस्ट का तो मतलब आप पूछिए मत, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन है। और आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी चीजें अगर रोज आप बना के, थोड़ी सी मेहनत लगती जरूर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया आप अगर आप एकता होमवर्क्स देखेंगे, भाई मैं इसलिए तो आपको बता रही हूँ कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे, आपको डाइट करनी है, ब्रेकफास्ट अच्छा सा खाना है या स्नैक्स खाना है, कम ऑयल घी तेल वाला खाना है, तो आप जस्ट फॉलो एंड जस्ट सी द रेसिपी एंड मेक इट। इट इज सो इजी, बट उसके लिए सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, गैस हमने कर दी अपनी बंद, और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इतने बढ़िया ये जो है बन के तैयार हुए। मैंने हल्का सा घी ब्रश किया ऊपर से, जस्ट ब्रश, आई हैव नॉट पुट फुल टीस्पून ऑफ ऑयल आल्सो, जस्ट ब्रशिंग, ताकि ये इसका ग्लेज हो जाए और ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से इस तरह से देखिए पक जाए। ये देख सकते हैं आप, अब इसको हम अपनी जो है प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हो कितना बढ़िया इसका रंग आया है। ये देखिए हमने प्लेट में लगा लिए। अब बचा क्या है, जो हमने बनाना शेक बनाया था उसमें हॉर्लिक्स और डिकॉक्शन वाली कॉफी डाल के वो भी हम ले आते हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल डाइट ब्रेकफास्ट रेडी है। ये जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है बहुत सारे कबाब हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, पर बहुत सारे नहीं है, ये बस उतने ही बैटर के हैं जिसका कि आप दो या तीन मीडियम चीला बना लेते, बस उतने ही मिक्सचर के ये इतने कबाब है। क्योंकि ये छोटे छोटे हैं इसलिए इनकी क्वांटिटी जो है आपको थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो ये लीजिए भाई अपना अपन जो शेक है वो भी साथ में ले आए, ये बढ़िया डाइट ब्रेकफास्ट इज फुल रेडी एंड जस्ट अटैक इसके ऊपर। तो लेकिन ये सब जब अगर आपने बनाना है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। हालांकि आपको आता है काफी कुछ बनाना, पर फिर भी थोड़ा कभी कभी हम सोचते हैं अरे क्या बनाए क्या बनाए, तो थोड़े से ये जो आइडियाज हैं आई जस्ट शेयर विद यू। अगर आप डाइट कर रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा खाना चाहते हैं, कोई आ गया अचानक स्नैक्स बनाना है, तो दीज आर लिटिल आइडियाज विच यू कैन जस्ट गेट फ्रॉम माई चैनल। सो बने रहिए मेरे इस चैनल में, और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट खाइए। वेट रिड्यूस भी करना है तो बिल्कुल ऐसे करिए कि आपकी जो है स्किन में कोई इश्यू ना आए, आपकी जो चमकती हुई स्किन है वो बिल्कुल वैसे ही रहे। तो बने रहिए मेरे साथ में, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। सी यू सून विथ डे 13 रेसिपी। ये जो है डे 12 की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है।